हेलो एवरीवन, मैं हूं देव और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल देव एमटीआर में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं बजाज सीटी 100 के प्रोस एंड कॉन्स को लेकर बात करूंगा, इस गाड़ी की क्या क्या अच्छाइयां हैं, क्या क्या बुराइयां हैं। दोस्तों, आज इस वीडियो में आपसे डिस्कस करने वाला हूं क्या क्या माइलेज देती है, क्या क्या इस गाड़ी में जो है प्रॉब्लम आती है दोस्तों खरीदने के बाद। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और प्रेस कर देना दोस्तों बेल आइकन को। चलो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, बात करूँ सीटी 100 की सबसे बड़ी अच्छाई की, तो दोस्तों वो ये है कि ये अपने सेगमेंट की बहुत ही सस्ती गाड़ी है और रह भी चुकी है दोस्तों, और साथ ही साथ लाइट वेट होने के साथ साथ ये गाड़ी जो है आपको सबसे ज़्यादा हाईएस्ट माइलेज प्रोवाइड कराती है। इसके माइलेज की बात करें तो दोस्तों ये जो है आपको 70 से 85 का माइलेज आपको आराम से निकाल कर दे देती है। अगर आप हाईएस्ट माइलेज निकालना चाहते हो उस गाड़ी से तो 30 से 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक अगर आप चलाते हो उस गाड़ी को प्रॉपरली सिंगल सवारी में, तो ये आपको जो है 85 तक का भी माइलेज दे देती है। करूँ दोस्तों इसकी एक बुराई की, तो बुराई दोस्तों इसमें यह है कि अगर आप बजाज सीटी 100 या प्लेटिना की कोई भी गाड़ी लेते हो तो जो रियर वाले जो शॉकर होते हैं वो 30 से 50 हज़ार किलोमीटर के आसपास अगर आप गाड़ी को चला लेते हो तो वो जो है लीक होने लगते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो, गाड़ी जो है 35 हज़ार किलोमीटर चल चुकी है, इसके जो शॉकर हैं वो लीक हो चुका है, फट चुका है। जैसा कि आप देख सकते हो, मैं मीटर में दिखा दूँ आपको, 35,224 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है दोस्तों। तो ये जो प्रॉब्लम है बजाज की गाड़ियों में, ज़्यादातर मोस्टली बजाज सीटी 100 और प्लेटिना में ये प्रॉब्लम आती है, 30 से 50 हज़ार किलोमीटर गाड़ी चल जाती है तो पिछले वाले जो शॉकर हैं वो जो है लीक हो जाते हैं और फट जाते हैं। बात करूं दोस्तों इसके आगे के शॉकर की, तो आगे के शॉकर की जो क्वालिटी थोड़ी सी मेरे को ठीक लगती है, 70 से 80 हज़ार आपको जो है किलोमीटर कवर कर जाते हैं, उसके बाद ही लीकेज की प्रॉब्लम दोस्तों इसमें आती है। बात करूं दोस्तों इस गाड़ी की एक और अच्छाई की, तो इसमें आपको 102 सीसी का पावरफुल इंजन मिल जाता है 7.9 बीएचपी की पावर के साथ। इसका जो न्यूटन मीटर टॉर्क है वो है 98.34 और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल इंजन है दोस्तों। इसकी बिल्ड क्वालिटी के हिसाब से इसका जो इंजन है मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, इसमें जो है मेरे को बुराई करने जैसा कुछ दिखता नहीं है, इसलिए ये जो है काफ़ी ज़्यादा रिफाइंड इंजन है, काफ़ी ज़्यादा स्मूथ इंजन है जो कि आपको सबसे ज़्यादा हाईएस्ट माइलेज प्रोवाइड करता है, और साथ ही साथ ये जो है आपको बहुत ज़्यादा वाइब्रेट की फीलिंग नहीं देता। दोस्तों, अब मैं बात करूँ इस गाड़ी के हैंडलिंग बैलेंस को लेकर और राइडिंग क्वालिटी को लेकर, तो इस गाड़ी को अगर आप 60 या 70 की स्पीड से हाईवे पर चलाते हो तो दोस्तों अगर आपके पास से कोई भी बड़ा व्हीकल गुजरता है जैसे बस या ट्रक, तो आपको ऐसा लगता है कि ये गाड़ी जो है मतलब उड़ने वाली है। तो आपको इसलिए लगता है क्योंकि इस गाड़ी की जो बिल्ड क्वालिटी है वो थोड़ी सी लो है, इंजन जो इसका थोड़ा सा हैवी है, और इंजन के हिसाब से जो है इसकी जो स्ट्रक्चर है, इसका जो चैसिस है वो थोड़ा सा हल्का है, इसलिए आपको जो है गाड़ी को जो बहुत ही ज़्यादा हल्का सा फील करते हो। दोस्तों, मैं कलर प्रोटेक्शन को लेकर अगर मैं बात करूँ तो कलर्स की जो लेयर्स होती हैं इस गाड़ी की बहुत ज़्यादा हल्की होती हैं, जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ माइनर से भी स्क्रैचेस आ जाते हैं तो यहाँ पे जो अंदर की जो लेयर्स होती हैं कलर्स की वो उतर जाती हैं। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर जो वाइट कलर का हल्का सा वो आपको दिखाई दे रहा होगा, साथ ही साथ आप यहाँ पर नीचे भी देख सकते हो यहाँ पर जो है रस्टिंग की प्रॉब्लम आ चुकी है। बहुत जगह ऐसी जगह होती है जहाँ पर रस्टिंग की प्रॉब्लम आ जाती है, जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ ये स्टैंड है साइड वाला, यहाँ भी है, नीचे की साइड भी आप देख सकते हो रस्टिंग की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ जाती है, गाड़ी गलने लगती है और ये एक दो साल में ही आपको महसूस होने लगता है। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे भी आपको रस्टिंग की थोड़ी सी प्रॉब्लम दिखाई दे रही होगी। इसके बाद जो लेग गार्ड होता है, लेग गार्ड भी आपका एकदम गल चुका है, यहाँ पे आप देख सकते हो एक दो साल के अंदर ये प्रॉब्लम है आपको दिखाई देने लग जाती हैं, जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे। तो कलर्स के मामले में तो ये जैसा कि आप जान सकते हो बजाज की गाड़ियों में कलर्स का कुछ अच्छा खासा इंतजाम नहीं होता है, कलर्स की जो लेयर होती है बहुत ही ज़्यादा थर्ड क्वालिटी की होती है। कलर क्वालिटी की बात करें तो दोस्तों इंजन के जो कलर क्वालिटी में आपको कोई भी नेगेटिव पॉइंट नहीं मिलता है, जैसा कि आप देख सकते हो 4-5 साल तक इस गाड़ी के इंजन के कलर के ऊपर कोई भी ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता है, अगर आपको प्रॉपर ढंग से अगर आप इस गाड़ी की केयर करते हो तो इंजन की। दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हो साइलेंसर में भी बहुत जल्दी गला आता है, यहाँ पे कैंटिलेटर कन्वर्टर लगा हुआ है, इसमें भी आपको देख सकते हो यहाँ पे रस्टिंग की प्रॉब्लम यहाँ पे जमा हो गई है। ये आप प्लेटिना ले लो या सीटी 100 ले लो, किस कोई भी गाड़ी ले लो, इन गाड़ियों में आपको जो ये चीज़ प्रॉब्लम फेस करने को मिल जाती है। बात करूं दोस्तों इस गाड़ी की एक और अच्छाई की, तो वो ये है दोस्तों इस गाड़ी का जो चैन सेट है बजाज सीटी 100 का चैन सेट, चाहे वो सीटी 100 का हो या बजाज की प्लेटिना का हो, इस गाड़ी के साथ जो चैन सेट आता है वो 30 से 35 हज़ार किलोमीटर तक चल जाता है अगर आप प्रॉपर ढंग से चलाते हो तो गाड़ी को। इसके बावजूद अगर आप आफ्टर मार्केट से या शोरूम से दोबारा चैन सेट को लगवाते हो, ओरिजिनल चैन सेट लगवाते हो बजाज कंपनी का, तो वो चैन सेट जो है 27 से 28 हज़ार किलोमीटर ही चलता है दोस्तों। इसके कंपेयर में अगर आप हीरो होंडा की बाइक को
हीरो की बाइक को कंपेयर करोगे तो उन गाड़ियों का जो चैनसेट है वो 18 से 20 हज़ार तक मोस्टली चलता है, इससे ज़्यादा नहीं चलता है। तो ये डिपेंड करता है कि इसकी जो क्वालिटी है मेटल की बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो दोस्तों बिल्ड क्वालिटी के हिसाब से और स्टेबिलिटी के हिसाब से चलने में तो ये दोस्तों जो है काफ़ी हल्की नज़र आती है। लाइट वेट होने के कारण मैं आपसे रिकमेंड करना चाहूँगा कि इस गाड़ी को ख़रीदने से अच्छा है कि आप बजाज की प्लेटिना कम्फर्ट टेक 100cc की बाइक ख़रीदें। वो जो है चलने में भी काफ़ी अच्छी है, 80 की स्पीड तक आप उसको चलाते हो तो बिल्कुल भी ज़्यादा आपको कांपने की प्रॉब्लम आपको महसूस नहीं होगी, उसमें काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होकर चलती है, रोड को पकड़ कर चलती है। आपको सेम माइलेज वही निकाल कर देती है, 70 से 80 का माइलेज वो भी गाड़ी आपको निकाल कर दे देती है दोस्तों। तो दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो आपको, आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल थी आपके लिए तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर कर देना। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, देव एमटीआर चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही साथ प्रेस कर देना बेल आइकन को। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।